हेलो स्टूडेंट्स, वी विल रीड सिक्स्थ चैप्टर ऑफ एट्थ क्लास। दिस इज जोड़ीज फोंट। फोन होता है जो डियर का बच्चा, उसे फोन बोलते हैं। बिफोर यू रीड, हम यहाँ पे रीड करते हैं पहले। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, अगर हम देखो हमेशा डॉक्टर के पास भागते हैं एक स्मॉल कट के लिए, और अगर जल जाता है कोई भी हमारा पार्ट, बॉडी पार्ट, वी फाइंड क्विक एंड इफेक्टिव क्योर्स यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम। तो इंस्टेड होता है के बजाय, डॉक्टर के पास भागने के बजाय हम कई बार क्या है जो जल्दी से क्विक जो ट्रीटमेंट होती है, क्योर होती है, जो हम घर पे ही कोई रेमेडी ऐसी यूज़ कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम होम रेमेडीज फॉर, कैसी आपको होम रेमेडीज पता है, लाइक कट ऑन योर नी, अगर आपके घुटने पे कट लग जाता है, अब बर्न ऑन योर आर्म, अगर आर्म बर्न होती है, अब बी स्टिंग, अगर आपको मधुमक्खी काट लेती है। इन दिस स्टोरी जोड़ीज फादर हैज बीन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। रेटल स्नेक जहरीला सांप होता है। तो जोड़ी जो एक लड़का है, उसके फादर को क्या है, एक जहरीले सांप ने काट दिया। ही क्विकली किल्स अ डो, वो डो को क्या है, जल्दी से डो जो होती है वो बियर की डियर, फीमेल डियर होता है, एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन। तो उसका जो हार्ट निकाल के वो यूज करते हैं, और उसे उसको पॉइजन के निकालने के लिए उसे हार्ट को निकाल के वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे काटा होता है। जोड़ी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फोन लेफ्ट विदाउट अ मदर। तो जो जोड़ी होता है, उसका बेटा होता है जिसको काटा होता है, ठीक है, उस जो उसका बेटा होता है, वो वंडर्स करता है, हैरान होता है कि ये जो लिटिल फोन है ये अपनी माता मम्मी के बिना, मदर के बिना कैसे रहेगा। जोड़ी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। जो जोड़ी की जो थॉट्स थी, उसकी सोच थी वो क्या है, बस वो फोन पे ही थी, मतलब उस बच्चे पे, हिरण के बच्चे पे। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो अपने माइंड से नहीं बाहर कर सकता था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, उसे ऐसा लग रहा था उसने जैसे से अपनी ड्रीम्स में और आर्म्स में बसा लिया है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, वो अपने टेबल से क्या है स्लिप होकर चला जाता है और अपने फादर की बेड साइड पे जाता है। पैनी ले एट रेस्ट, पैनी होता है उसके फादर का नाम, वो रेस्ट कर रहा होता है। हिज आइज वर ओपन, उसकी आइज ओपन और क्लियर होती है, बट द पीपल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड। डायलेटेड होता है इनलार्ज, उसकी जो आंखें होती हैं, ठीक है, पीपल्स जो आसपास के जो घेरे होते हैं वो डार्क और डायलेटेड, मतलब उभरे से हुए, इनलार्ज हुए लगते हैं। जोड़ी सैड हाउ आर यू फीलिंग, तो अपने पापा से पूछते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो। जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गोन थीविंग एल्सवेयर बट वाज नॉट इट अ क्लोज शेप। तो वो कहता है कि जो ओल्ड मतलब डेथ जो है वो क्या, जो मेरे सर पे मंडरा रही थी वो चली गई, अब कहीं थी इसका एल्सवेयर। डेथ हैज गोन थीविंग एल्सवेयर का मतलब है बट वाज नॉट इट अ क्लोज शेप, पर ये क्या है बहुत ही भयंकर था, कि मतलब ये बहुत बाल बाल बच गए उससे। आई एग्री, पैनी सेट, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। तो वो पैनी को बोलता है, पैनी बोलता है अपने बेटे को कि मैं, मुझे प्राउड है आप पे कि आपने अपना माइंड क्या है उस टाइम मतलब सेट रखा, और आपको जो मतलब करना चाहिए था आपने वो किया, संतुलन में रख के माइंड को, मतलब बिना घबराए हुए। पा यस सन, पा डू यू रिकलेक्ट द डोए एंड द फोन, वो अपने पापा से पूछता है कि आपको याद है वो डोए और फोन, मतलब जो उन्होंने डोए को मारा होता है फीमेल डियर को। तो वो उससे पूछता है कि क्या फोन के बारे में आपको पता है, जो बच्चा होता है उसका। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, उसके फादर बोलते हैं कि मैं उसे नहीं भूल सकता दोनों को। द पुअर डो सेव्ड माई मी, तो जो डो थी उसने मेरी लाइफ सेव किया, दैट सर्टेन, ये तो मतलब निश्चित है, मतलब ये तो श्योर है। पा द फोन मे बी आउट देयर येट, क्या वो पूछता है कि क्या जो फोन है वो अभी बाहर ही होगा। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केर्ड, ये डरा होगा और शायद बहुत भूखा होगा, आई सपोज सो, मैं ऐसा सोचता हूँ। पा आई एम बिग बॉय नाउ, वो कहता है कि मैं अब बिग बॉय हूँ,
एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, अब मुझे मिल्क पीने की जरूरत नहीं है। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन, क्यों नहीं मुझे जाके फोन को देखना चाहिए, उसे फाइंड करना चाहिए, एंड ब्रिंग इट हियर, उसे यहाँ पे लाना चाहिए, एंड रेज इट और पालना चाहिए। पैनी ले क्वाइट, जो पैनी होता है उसका फादर होता है, वो चुप हो जाता है। स्टेयरिंग एट द सीलिंग, वो छत की ओर स्टेयर कर रहा होता है, मतलब देख रहा होता है। बॉय यू हैव गॉट मी हैमर्ड इन, हैमर्ड हो मतलब ये ऐसी सिचुएशन में डाल देना जिसमें वो क्या है ना, तो हाँ कह सकता है ना ना कह सकता है। वो कहता है मुझे तुम्हें तुमने इस प्रकार की सिचुएशन में डाल दिया है कि मैं इसके लिए आपको ना भी नहीं कह सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, वैसे तो ज़्यादा मतलब खर्चा भी नहीं आएगा इसे पालने में। पा इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड कॉर्न्स, तो ये जल्दी ही क्या स्टार्ट कर देगा, लीव्स खाना और जो नट्स होते हैं कॉर्न्स वो खाना स्टार्ट कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, वो कहते हैं तुम तुम्हारे एज के जो बॉयज हैं उनसे काफ़ी स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट्स इट वॉज नॉट टू ब्लेम, तो हमने उसकी मतलब मदर हमने हमने उसकी मदर को मारा है मीन्स, तो इसके लिए हमें क्या है ये ब्लेम नहीं करना है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, तो भूख भूखा मरने के लिए उसे छोड़ना जंगल में अच्छा नहीं होगा। सन आई कांट से नो टू यू, मैं तुमसे ना नहीं कहूँगा। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक दिन भी और जिंदा रहूंगा दूसरा दिन देखने के लिए।